छत्तीसगढ़ का पौराणिक पर्व छेरछेरा विलुप्त होने की कगार पे। छेरछेरा पर्व छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे छेरछेरा पुन्नी या छेरछेरा त्यौहार भी कहते हैं। इसे दान करने का पर्व माना जाता है। इस दिन छत्तीसगढ़ में युवक युवती और बच्चे सभी छेरछेरा अनाज मांगने घर घर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुन्नी का अलग ही महत्व है। वर्षों से मनाया जाने वाला ये पारंपरिक लोक पर्व साल के शुरुआत में मनाया जाता है। इस दिन रुपये पैसे नहीं बल्कि अन्न का दान करते हैं, इसलिए मनाते हैं छेरछेरा। धान का कटोरा कहलाने वाले भारत का एकमात्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग रहते हैं। कृषि ही उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। यही वजह है कि कृषि आधारित जीविकोपार्जन और जीवन शैली ही अन्नदान करने का पर्व मनाने की प्रेरणा देती है। अपने धन की पवित्रता के लिए छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि जनमानस में यह धारणा है कि दान करने से धन की शुद्धि होती है। छत्तीसगढ़ में कहावत है कि माई कोठी के धान ला हेरा हेरा। छेरछेरा पे बच्चे गली मोहल्ले घरों में जाकर छेरछेरा दान मांगते हैं। दान लेते समय बच्चे छेरछेरा माई कोठी का दान ले हेरा हेरा कहते हैं। जब तक आप दान अन्न दान नहीं देंगे तब तक वे कहते रहेंगे, अरन बरन कोदो करन जब्बे तब्बे टरन। बेमेत्रा में बरसों पुरानी परंपरा को बच्चे आज भी सजोए रखने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ पावन त्यौहार छेरछेरा के अवसर पर नगर बेमेत्रा के बच्चे घर घर जाकर छेरछेरा दान के रूप में अन्न मांग रहे हैं। पुराने बुजुर्गों के अनुसार छेरछेरा में अन्न दान करने से किसान के घर में अन्न का भंडार होता है। वहीं अब ये परंपरा समय के अनुसार विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। छेरछेरा पर्व हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है। ये तिहार ला हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन फसल आय के उत्सव में अन्नदान तिहार के रूप में मनाते। ये तिहार ला पुष महीना के पूर्णिमा के दिन मनाए जाते। ये दिन हर गांव में युवक युवती मन घर घर जाके अन्नदान लेते। एकर खातिर उन्हें बोलते कि छेर छेरा माई कोठी धान रहे रहा तब बोला अन्नदान करे जाते। ये तिहार खातिर आज समय के साथ में लोगन मन में उत्साह नहीं दिखाते, जिनका हमला सहेजे की आवश्यकता है ताकि हमारे पारंपरिक त्यौहार हमारे पर्व हमारे धरोहर बच सकें।